हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। बोनस अनाउंस हो चुका है, बोनस के रेशियो के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोनस का रेशियो है 2:5 का रेशियो, मतलब आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 5 शेयर है तो इसीलिए 2:5 का रेशियो यहां पर है। मैं थोड़ी देर में आपको एक कैलकुलेशन के जरिए भी आपको मैं चीजों को समझाऊंगा ताकि और आसानी से आप समझ लें। अब कंपनी जब भी बोनस शेयर देती है तो कंपनी ने जो रिटेन्ड अर्निंग की होती है, जो पहले जो पैसा कमाया होता है उसमें से बोनस शेयर जनरली दिया जाता है, और यही वहीं से ही जो मदरसन सुमी वायरिंग है वहीं से ही बोनस के शेयर्स दे रही है। तो टोटल 126 करोड़ रुपए के जो फ्री रिजर्व्स हैं वहां से जो है बोनस की रकम निकाली जाएगी। तो टोटल 404 करोड़ की उनके पास टोटल रिटेन्ड अर्निंग है, उसमें से 126 करोड़ जो है बोनस में खर्चा होंगे। तो जो पूरा जो प्रोसेस है जब हम बोनस की बात कर रहे हैं तो 29 नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा अगले 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डेट्स क्या है, तो अभी भी रिकॉर्ड डेट आउट नहीं हुई है, मतलब जिस दिन बोनस का इंपैक्ट होगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं समझ लीजिए आज स्टॉक खरीदूं तो क्या हम बोनस के लिए एलिजिबल हैं? तो यस, आप एलिजिबल हैं। कब तक? आपके पास स्टॉक जो है ठीक है एक्स डेट से पहले होना चाहिए। वो एक्स डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये नवंबर 10 से 20 के बीच में ये डेट आ जानी चाहिए। जो भी डेट आएगी ये अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो पूरा प्रोसेस है, नवंबर एंड 29 नवंबर है, तब तक पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके जो डीमैट अकाउंट है बोनस शेयर आ जाएंगे, तो पूरा प्रोसेस तब तक खत्म हो जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट का वेट करेंगे, कंफर्म डेट का वेट करेंगे, जो कि जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। अब मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर जो है एक्सेल में आपको मैं बता देता हूं। तो बोनस का रेशियो आप यहां देख सकते हैं 2:5 का है। ये शेयर प्राइस मैंने 87 लिया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है आपके लिए क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया है, ये जो शेयर प्राइस है मैंने एज्यूम किया है। अभी एक्स डेट को क्या प्राइस होगा हमको नहीं पता है। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 87 बंद हुआ है, तो इसीलिए मैंने 87 रखा है। तो समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 870। और अगर जो भी प्राइस होगा जो एक्स डेट के दिन, तो उस हिसाब से शेयर प्राइस 62 रुपीज हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर जो है वो 14 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप जो है कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। सिंपल अगर आपको कैलकुलेट करना भी है तो जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 87 है ठीक है ना, तो 87 है तो उसको इंटू 5 कर दीजिए ठीक है, फिर उसको डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, तो ऐसे करके आपके पास जो भी है नंबर्स भी आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अगेन 87 मैंने हाइपोथेटिकल प्राइस लिया है, समझ लीजिए एक्स डेट के दिन 80 रुपया शेयर प्राइस हुआ ठीक है, तो 57 रुपीज शेयर प्राइस हो जाएगा। समझ लीजिए उस दिन शेयर प्राइस 100 रुपीज का रहा तो 71 रुपीज हो जाएगा। तो बेसिक मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया, ये जो प्राइस है बस ये प्राइस मैंने एज्यूम किया है। जब भी आएगी जो भी डेट आएगी वो अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये एक चीज आपको समझनी है। बाकी बोनस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो चीज जो है जो एक्स डेट है उससे पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए। बाकी इससे पहले कुछ दिनों पहले ही जब ये बोनस आने वाला था मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था मदरसन सुमी वायरिंग के फंडामेंटल्स को लेकर। तो फंडामेंटल्स आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, छोटा ही वीडियो रख रहा हूँ। फंडामेंटल्स वाला जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस वीडियो से जो फंडामेंटल्स है इंपॉर्टेंट चीजें हैं मदरसन सुमी वायरिंग की वो वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।